अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं भरे हुए करेले। ये करेले हमने छील लिए हैं, इनमें से बीज निकाल लिए हैं और इनको हमने नमक लगा के रख दिया है। ये 250 ग्राम कीमा है और इसका जो मसाला है उसके लिए हमने लिया है एक टमाटर, ये दो छोटे प्याज, ये एक हरी मिर्च और ये एक टीस्पून लाल मिर्च, ये हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी हल्दी और नमक, ये इसका मसाला है। लहसुन अदरक का एक चम्मच पेस्ट जाएगा। ये देखें, हमने इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और जो लहसुन है, अदरक का पेस्ट, वो हमने डाल दिया है क्योंकि ये बगैर ऑयल के बनेगा। इसमें हमने कीमा डाल दिया है। अब हम इसमें ये मसाले ऐड कर देंगे सारे। और अब हम इसमें हाफ गिलास पानी का डाल के इसको पकाने के लिए रख देंगे। ये देखें, हमारा पानी खुश्क हो रहा है, इसे बिल्कुल खुश्क करना है और इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं डालना। ये देखें, हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, हम दबा दबा के देख रहे हैं, बिल्कुल पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसकी आग बंद कर देंगे और अब हम करेलों में भरेंगे। अब हम इसे यूं करके बांधेंगे और फिर हम इसे तेल में फ्राई करेंगे। इसी तरीके से सारे करेले भरने हैं और अपना तेल में फ्राई करने हैं। जब गोल्डन हो जाए ब्राउन, तब आप इसे उतार लें। ये एक फिल हो गया है। अब हम देखें, आप हमने ज़रा सा ऑयल डाला है इसमें, आधी प्याली से भी कम है इसमें ऑयल, और आग जो है बिल्कुल हल्की है। ये अब हम इसमें फ्राई करने के लिए करेले डाल रहे हैं। ये देखें, हम टर्न कर रहे हैं इनको हल्की हल्की आंच पे, ये गोल्डन हो रहे हैं। इसी तरीके से हल्की आंच पे इसको गोल्डन करना है। तेज़ आंच करेंगे तो फटाफट ये मतलब बहुत जल्दी जल जाएंगे और कड़वे और मतलब ज़्यादा इतने अच्छे नहीं लगेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे। ये देखें, हमारे भरे हुए करेले चिकन के तैयार हैं। आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।